हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और ये क्या, आज गाइस यार मौसम कितना ही ज्यादा खराब है। आज ये मौसम बड़ा ही बेईमान लग रही है। ठंडी, कौन नहाएगा यार? चलो यार, गर्मा गर्म पानी है तो नहाने का मजा भी कुछ और होता है। ये चलो यार वार्म वाटर में नहा लेते हैं, बस पैर को गीले कर लेंगे, पूरा नहाएंगे भी नहीं। ठंडी में नहाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है गाइस। ये दोनों नमूने गए तो गए कहाँ पे? मौसम तो यार आज काफी ज्यादा कातिलाना हो गया है। ठंड मुझे भी लग रही है भैया। सिंचन लगता है ये दोनों के दोनों ऊपर है, ऊपर टीवी वगैरह देख रहे होंगे। चलो गाइस देखते हैं क्या कर रहे हैं। ए भैया, ए ये क्या, ये दोनों इधर भी नहीं है। ए सिंचन भैया किधर हो? अरे यार ये दोनों है कहाँ पे गाइस यार? दिख भी नहीं रहे। ओके यार, मुझे लगता है कि अंदर यही कहीं तो नहीं दोनों छुपे पड़े ठंड के माले कंबल वंबल ओढ़ के। अरे किधर हो भैया? ओए नीचे आ जा। ए नीचे किधर भैया? ओए तेरे सामने। अरे यार ये क्या चल रहा है भैया? ओए मुन्ना, हमें ठंड ज्यादा लग रही है तो हम यहाँ गर्मी ले रहे हैं। अरे भैया कोने में गर्मी कैसे ले रहे हो? ओए तुझे नहीं पता, हम हीटर लेकर आए हैं। अरे भैया कैसा हीटर? अरे ये क्या हीटर, ये हीटर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने भैया? मेरे को ठंड लग रही थी बड़ी तेज की। अरे यार होगी भैया, इधर आ जाओ, इधर खड़े जा, क्या मस्त एकदम गरम गरम लग रहा है। ओए मेरे आगे से तो हट जा। हे भैया तुमने बहुत ज्यादा सेक लिया। अब मैं सेकूंगा अपने हाथों को। ए भैया मुझे गरम होना है। ओए गरम तो हो जा, मुझे भी गरम होना है, हट जा कैसे। अरे भैया दो मिनट रुको यार भैया, थोड़ी ठंड ज्यादा पड़ रही है ना गाइस, क्या करे, हीटर के आगे खड़ा होना पड़ेगा अभी तो। पापा मैं आपको बचा के रहूंगी। अरे ये तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है मेरे। अरे नहीं 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 नहीं, इसके अंदर ये खराबी कैसी हो गई? ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे नहीं, क्रैश लैंडिंग। ओए ये कैसी आवाज थी? ए भैया अचानक से इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? ओए मुन्ना सही कह रहा है, जैसे लग रहा है अपने घर में ही पूरा हीटर लग गया है। अरे यार गाइस अचानक से इतनी गर्मी कैसे लगने लग गई? अरे ये क्या भैया? ओए क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया मुन्ना, घर में आग लग गई है। अरे भैया घर में किसने आग लगाई, घर को हीटर बना दिया क्या? अरे योगी भैया लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे भैया बाहर आओ। अरे ये क्या भैया? ओए मुन्ना क्या हो गया? अरे ये तो एक प्लेन है छोटा वाला। अरे भैया सही कहा, ये तो एक छोटा प्लेन है गाइस यार, सिंगल यूजर के लिए, मतलब सिंगल ड्राइवर के लिए बस, और ओए पायलट के लिए गधे कहीं के। अरे यार भैया ये कौन लड़की है इसके अंदर से निकले? लगता है गाइस ये प्लेन लेकर यहाँ पे क्रैश कर गई। ओके बाल बाल बची बेचारी, लगता है बेहोश पड़ी भैया। ओए इसका गेम तो नहीं बच गया है? अरे भैया नहीं नहीं अभी इसका गेम ओवर तो नहीं हुआ है। फाइनली गाइस यार ये का प्लेन ने यहाँ पे लैंड क्रैश कर दिया। अरे क्रैश लैंडिंग करने के बाद अपने घर में आग लग गई है, जल्दी से हमें चाहिए होगा फायर। ये भैया ओए फायर तो ऑलरेडी लगा है। अरे भैया आग बुझाने वाला, ये देखो भैया इस आग को मैं बुझा दूंगा, नहीं तो हमारे घर में आग लग जाएगी पूरी। ओए मुन्ना रहने दे। अरे भैया पागल हो रहे हो क्या? ओए मजाक कर रहा हूँ। अरे मुन्ना ये लड़की तो जिंदा है, इसके हाथ हिल रहे हैं। अरे भैया वो छोड़ो गाइस यार, भाई इधर आके आग मेरी मदद करो, सिंचन जल्दी आओ। अरे यार होगी भैया आ रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। अरे ये मिल गया, अभी लेके आता हूँ। अरे सिंचन जल्दी आओ मेरी मदद करो। भैया सुन क्यों नहीं रही, आग तो बढ़ती जा रही है। अरे यार इसमें का गैस भी खत्म हो रहा है। ओ नो गाइस यार ये क्या, इस सिलेंडर का गैस भी खत्म हो गया, लेकिन आग तो बुझ ही नहीं रही है। ओ अरे होगी भैया मैं भी आ गया हूँ, ये देखो मैं क्या लेकर आया, अभी मैं फेंकता हूँ जल्दी से। अरे यार सिंचन मेरी तो गैस ही खत्म हो गई, तुम ये क्या डाल रहे सिंचन? अरे योगी भैया इस कैन के अंदर ऐसा है, ये देखो अभी देखो बुझ गई आग। अरे सिंचन उससे आग बुझेगी नहीं, उससे और आग बढ़ेगी। सिंचन हट जाओ वहां से, हटो। अरे क्या बात कर रही हो, इससे आग बढ़ेगी क्या? अरे यार वो कौन सा, वो गैस कैन है, फटाफट से यार दूर हटो सिंचन। अरे योगी भैया वैसे यार यहाँ पे कितनी गर्मी लग रही है, जैसे लग रहा है गर्मी आ गई। अरे गर्मी आ गई, हमारा घर भी जल जाएगा तो हम बेघर हो जाएंगे। हमें फुटपाथ पे रहना पड़ेगा, जल्दी कुछ करना पड़ेगा इससे पहले आग हमारे घर को जला डाले। अरे यार जैक भैया क्या हुआ, तुम यहाँ पर खड़े क्यों? ओए ये लड़की जिंदा है लेकिन ये बेहोश पड़ी है, लगता है इसको इंजरी हो गई, हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर मत बुलाना। अरे भैया क्या हुआ? ओए मुन्ना ये लड़की कुछ बोल रही है।
अरे भैया क्या बोल रही, बेहोशी में भी क्या बोल रही है। ओआईएस ने बोला कि कोई डॉक्टर नहीं बुलाना। अरे भैया डॉक्टर नहीं बुलाना मतलब क्या बुलाएंगे, मोची बुलाएंगे क्या? ओए मुन्ना इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे भैया उसने मना करा ना कि हॉस्पिटल नहीं ले चलना, चाहिए से ये नहीं चाहती कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। ओए मुन्ना आखिरकार ये लड़की है कौन, मैंने इसे कहीं देखा है? ए भैया तुम तो हर लड़की को देखते हो बड़ा है। ओए नहीं ओए मैंने इसे देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। अरे भैया चुप रहोगे, बड़ा है तुम हर लड़कियों के पीछे लगे रहते हो ना, बस इसलिए तुमने देखा होगा। अरे नहीं यार मैं सही बोल रहा हूँ। ए भैया ये लड़की चाहती कि हम इसकी आइडेंटिटी छुपा के रखे। चलो ठीक है गाइस ऐसा करता हूँ भैया मैं खुद ही डॉक्टर को लेकर आ जाऊँ क्या? ओए मुन्ना ये भी ठीक है, डॉक्टर को तू यहीं घर ही लेके आ जा। ओए सही कह रहा है। हे दोस्तों डॉक्टर को हम घर लेकर आते हैं और फिर डॉक्टर से इलाज कराएंगे, जैसे ही लड़की होश में आएगी फिर हम इससे पूछ लेंगे आखिरकार ये है कौन। ओए मुन्ना सही कहा, ओए बता है कौन, पता कहाँ है तेरा? अरे भैया अभी होश में हो, बेहोश पड़ी है, कुछ भी बोल रहे हो। ओए तू जा डॉक्टर लेकर आ। अच्छा ठीक है भैया मैं जाऊँ डॉक्टर लेने, लेकिन भैया डॉक्टर मेरे कहने पे आ जाएगा क्या? ओए नहीं आए तो जबरदस्ती उठा ले उसे। ठीक है गाइस यार ये क्या था भैया। ठीक है चलो गाइस मैं जा रहा डॉक्टर को लेने, डॉक्टर मिल गया तो चलो बहुत ही बढ़िया। वैसे ये लड़की यार बेहोशी में ही बोल रही थी यार इसको यार हॉस्पिटल मत ले जाना, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है यार, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। तो यार मैं नहीं चाहता वो लड़की किसी खतरे में हो और यार किसी को पता चल जाए कि वो लड़की के बारे में, तो खतरा हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो मैं भी नहीं चाहता इस लड़की के बारे में कोई भी जाने। तो गाइस फटाफट से हम चलते हैं डॉक्टर को लेने। अगर हम लोग उसे एम्बुलेंस बुलाते या हॉस्पिटल में लेके जाते तो डॉक्टर वगैरह और न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी आ जाते ना, तो इसकी आइडेंटिटी पक्का रिवील हो जाती और हम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते फिर तो। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि हम बिल्कुल भी मुसीबत में फंसे, तो फटाफट से हम डॉक्टर को ही लेकर आएंगे अपने घर में। फाइनली मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में। चलो गाइस ये अपना मेडिकल सेंटर जिसकी तो हालत ही हमेशा खराब रहती है। अबे इसका सीन क्या है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय पड़ा रहता है। ए डॉक्टर बोलो क्या हुआ? अरे डॉक्टर मेरे साथ चलने का? ए नहीं तो खोपड़ी खोल देगा मैं तेरा। हाँ टकले चल फुट जल्दी। अरे डॉक्टर से ऐसे बात करते हो, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरा एक पे ऑपरेशन करना है। अरे तेरा ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, चल दूसरा डॉक्टर भेज दो ऑपरेशन के लिए, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे चल साथ 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 चल रहा हूँ, ये बंदूक तो नीचे रखो। ए डॉक्टर को गाइस हमने मना लिया है बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। अरे तुमने रिक्वेस्ट कहाँ करी, तुमने तो धमकी दी, तब मैं हूँ तुम्हारे साथ में। हाँ तुम मुझे किडनैप कर रहे हो एक तरीके से तो। अरे रे रे अरे डॉक्टर गुस्सा क्यों होते हो? वैसे मैं अपने लिए तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, हमारे घर में एक पेशेंट है उसको बस ठीक करना है तुम्हें। अच्छा ठीक है पेशेंट को ठीक करना तो मेरा काम ही है। वैसे तुमने बहुत ही गलत काम किया, मुझे ऐसे नहीं ला सकते तुम। अरे डॉक्टर अभी खोपड़ी खोल देता ना तो सही रहता। चलो फटाफट से, ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। ठीक है बुरे लोग। क्या बोला बुरे लोग बोला? अरे ये तो ठीक है, इसको बस कुछ नहीं हुआ, इसके पास एक सूट था जो कि इसको बचा लिया। अरे सूट ने बचा लिया इसे? अरे हाँ हाँ इसके सूट ने इसे बचा लिया, और टेंशन वाली बात नहीं, बस ये बेहोश हो गई है, इसको थोड़ी देर के अंदर होश आ जाएगा। हे थोड़ी देर के अंदर होश आ जाएगा डॉक्टर? अरे हाँ हाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वैसे एक तो मैं ये मेडिसिन दे देता हूँ, उसको दे देना तो ये ठीक रहेगी। ओए डॉक्टर ढंग से चेक कर ले, मैडम जी को खुश नहीं होना चाहिए। अरे गाइस यार मैडम जी का तो काम मतलब कि सही हो गया, मैडम जी को कुछ खास इंजरी नहीं आई, लेकिन गाइस हमारे घर की आग तो अभी तक भी नहीं बुझी यार, ये क्या लगता है यार ये लिक्विड की आग है, मतलब कि हो सकता है प्लेन के अंदर बहुत सारा फ्यूल हो और वो फ्यूल यहाँ पे क्रैश होने के बाद लीक हो गया और यहाँ पे गाइस आग बुझ नहीं रही है। अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ? फायर ब्रिगेड वाले को गाइस हम बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग भी आए तो वो लोग भी जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, और पूरी की पुलिस पुलिस आ जाएगी यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आखिरकार ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। और मैं नहीं चाहता कि यार इतना ज्यादा झमेला हो। तो गाइस यार भैया, ओए मुन्ना क्या हो गया? हे भैया ये आग कैसे बुझेगी, इसका तो यार हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओए मुन्ना ये आग बुझेगी पानी से। अरे भैया पानी तो हमें चाहिए ना। ये भैया पानी हमें वाला चाहिए होगा ना, फायर ब्रिगेड वाला पानी। इस वाले पानी से तुम कितनी बाल्टी पानी डालोगे नहीं बुझेगा,
ओए मुन्ना फायर ब्रिगेड का। अरे भैया दिमाग चला, हमें काम चाहिए। हे दोस्त, यार भैया का एक दोस्त था फायर ब्रिगेड में जो कि काम करता था। वो फायर ब्रिगेड में काम भी करता था और फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ियां वगैरह भी सप्लाई करता था। तो गाइस हम उसी के घर पे जाने वाले हैं। भैया जल्दी बाहर निकलो। ओए आ गया। हे भैया, वैसे वो तुम्हारा दोस्त अभी रहता है ना लॉस सैंटोस में कि नहीं रहता? ओए मुन्ना रहता तो है, लेकिन उसने फायर ब्रिगेड का काम करना कब का छोड़ दिया है। अच्छा वो फायर ब्रिगेड से रिटायर हो गया भैया? ओए सही कहा, वो रिटायर हो चुका है। वैसे तो वो अभी बीच में काम करने लगा था मुन्ना, उसका क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग का। अरे भैया बिल्डर बन गया था क्या वो? ओए सही कहा, बिल्डर बन गया था। उसने फायर ब्रिगेड से निकल गया था, उसके बाद बिल्डर का काम करने लगा था। अच्छा चलो गाइस, यार हम उसी बंदे से मिलने वाले हैं। भैया ओए मुन्ना, तू बाइक को धीरे चलाएगा? अरे भैया धीरे चलाने का टाइम नहीं, पता चले घर में पूरी की पूरी आग फैल गई। ए भैया यही वाला घर है क्या? ओए मुन्ना पहले तू आगे ले चल, बस यहाँ से राइट ले। ओए जस्ट तेरे सामने वो घर दिख रहा है ना, उसी में रहता वो। अच्छा चलो गाइस, यार फाइनली हम यहाँ पर आ गए। ओके यहाँ पे तो भैया फायर ब्रिगेड की पूरी गाड़ी खड़ी है। ओए मुन्ना मैंने कहा था ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी देता था और खुद काम भी करता था। अच्छा गाइस यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, चलो अपना काम तो बन गया। साथ में यार ये कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक भी रखे हुए हैं, क्या बात है भैया। ओए मुन्ना बोल तो रहा था ये बिल्डर का भी काम कर रहा था ना बीच में इसलिए। अरे यार ये तो पूरा ऑलराउंडर बंदा है भैया, हर काम करता था क्या? भैया जाओ उसे बुला के लेके आओ। ओए ठीक है अभी रुक, बुला के लाता हूँ। ओए बबलू, अरे बबलू कहाँ पर है तू? अरे भैया बबलू नाम है, चलो यार बुलाओ जल्दी। ओए बबलू किधर है? अरे ये बबलू कहाँ रह गया? अरे बबलू किधर है तू? बबलू दरवाजा खोल, तेरा जिगरी दोस्त आ गया है। अरे कहाँ है बबलू? अरे मैं नीचे हूँ जैक भाई, अभी आ रहा हूँ। ओए तो जल्दी आ, ओए मेरे को तेरे से काम है। अच्छा ठीक है बस आ रहा हूँ। भैया इधर आओ, क्या हुआ? ओए मुन्ना आ रहे, वो मिल गया बंदा नीचे ही है। चलो ठीक है भैया सही है। भैया जल्दी करो यार, उसको बोलो जल्दी है। ओए बोला तो है। अब बोलो यार, काफी दिनों बाद जैक मिले हो, और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? अरे बाप रे भैया, ये बंदा फायर ब्रिगेड में काम करता था, इसकी टोन तो देखो। अरे मेरी टोन पे मत जाओ, मेरी फिटनेस का राज कुछ और है। अभी रिटायर होने के बाद तो मेरा पेट निकल गया ना खा खा के। अरे भैया ये हमारे काम भी आएगा कि नहीं? ओए बबलू हमें तेरे से बहुत ही इमरजेंसी वाला काम है, दोस्ती के नाते ये काम करना पड़ेगा। अरे बोलो क्या काम है जैक तुम्हारे लिए? पिज्जा बना दूं या बर्गर? अरे बाप रे पिज्जा बर्गर नहीं, हमारे घर में आग लग गई है, तुम्हें उस आग को बुझाना है। अरे आग बुझाने वाला काम तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है, कुछ और काम है तो बताओ। अरे यार हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बताओ क्या करोगे तुम? अच्छा ठीक है, तुम जैक के भाई और जैक खुद भी है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। ए दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमने इस बंदे को कन्विंस कर लिया, बबलू बिल्डर को फाइनली। लेकिन गाइस इसने पूरे का पूरे $1,000 में डील करी है। भैया यही तुम्हारा दोस्त था, इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। ओए मुन्ना क्या कर सकते हैं, उसको भी तो खाने के लिए चाहिए ना। अरे भैया ठीक है, लेकिन भैया इसने पौवा हुआ मार रखा है क्या? मुझे तो लगता है सस्ते नशे कर रखे इसने। ओए मुन्ना टेंशन मतलब बंदा बहुत काम का है। भैया बंदा तो काम का है, लेकिन भैया इसको बोलो ट्रक ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को थोड़ा आराम से मेरे पीछे आते रहे। ओए मुन्ना गाड़ी स्लो करो, कट भूल जाएगा। हे दोस्तों हम उसको पीछे पीछे लेके आ रहे भैया। ओए मुन्ना टेंशन मत ले। अरे अरे क्या कर रहा है, उसको लगा तो कट पे मोड़ेगा। अरे बबलू बबलू, ए बबलू बिल्डर जल्दी आ जा। ओए तेरी वो आवाज नहीं सुनेगा, चल मुन्ना आगे बढ़ा, वो मोड़ के लेके आ जाएगा, टेंशन मत ले। अरे यार भैया मुझे लग नहीं रहा कि मोड़ के लेके आ रहा है। ओए वो लेके आएगा बोल तो रहा, वो फायर ब्रिगेड का पायलट है मुन्ना। ओए फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखता है कितनी स्पीड में चलती है। ए भैया पता है मुझे जब भी आग लगती तो गाइस फायर ब्रिगेड की गाड़ी सीधा ट्रेन की तरह उड़ा के चलाते हैं। और यहाँ पे वही ड्राइवर है ना भैया, ये भी उड़ा के चला रहा है, देख रहे हो गाइस? यार मुझे लगता है गाड़ी में ठोक वोक के लेकर आ रहा है। लेकिन भाई जल्दी हमें पहुंचना पड़ेगा इससे पहले घर में पूरी आग ना लग जाए। ओए मुन्ना सही कह रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुन्ना, उस लड़की को मैंने कहीं देखा है?
याद नहीं आ रहा वो है कौन। अरे यार भैया मुझे भी क्या पता क्या है। अभी जब वो होश में आ जाएगी ना तो खुद ही बता देगी वो है कौन भैया, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ रह गई? ओए आ गया। ए चलो गाइस यार फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो काफी तूफानी है। ओए मुन्ना बस पीछे आ रहा है, जस्ट नहीं इसे मोड़ ले। अरे यार भैया मुझे भी रास्ता पता है घर का, बड़ा है बोलने वाले। ओए कहाँ लेके जा रहा है? अरे वो आगे लेके चले जाएगा ना। अरे यार भैया वहाँ पे गाड़ी थी ना, लेकिन उसे मोड़ने में काफी दिक्कत होगी। ओए कोई नहीं वो लेकर आ जाएगा। ओए अपना रास्ता पतला है ना, यहाँ पे बड़ी गाड़ी लाना बहुत मुश्किल रहता है। अरे हाँ भैया बात तो सही कही तुमने। तो चलो गाइस फाइनली हम यहाँ पे ओके आ गए अपने फायर ब्रिगेड। अरे रे रे यहाँ पे भैया पार करते हैं और उस गाड़ी को हमें नीचे लेके जाना है। ओए मुन्ना सही कहा, तो इसको बोल पूरा घूम के आएगा ये। अरे फायर ब्रिगेड वाले भैया पूरी घूम के गाड़ी लेकर आओ। फाइनली। अरे ये कौन सी आग लगी ये वाली आग ना? अरे यार यही आग है, और कौन सी आग होगी? और सामने हमारे पीछे भी एक आग, जो जल्दी उसे भी बुझाओ पानी डाल के। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं इस आग को बहुत ही जल्दी बुझा दूंगा, ये लो। हे जल्दी यार बहुत ही बड़ी आग लग रखी ना। अरे हाँ आग तो बहुत ही भयंकर है, ये आग तो तुम्हारे घर को भी जला सकती थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर दिया, नहीं तो थोड़ी देर लेट भी होता ना तो फिर ये पूरा तुम्हारे घर को ही जला देती आग। हाँ ठीक है ये। अरे बाप रे क्या कर रहा पागल के बबलू, हमें क्यों गीला कर दिया ठंडे में? अरे वाट लग गई। अरे भैया वाट तो लगी लेकिन अभी घर में आग लगी ना, जिसकी घर में इसे ठीक है। अरे टेंशन मत लो, इस आग को तो मैं कंट्रोल कर लिया है, अब ये आग बढ़ नहीं पाएगी, इसका गेम ओवर। ए दोस्तों वैसे बबलू ने अपना काम कर दिया, थोड़ी मोड़ी आग है तो वो फायर एक्सटिंगुइशर से बुझा रहा है, और यहाँ पे प्लेन की भी आग बुझ चुकी है, तो फाइनली यहाँ पे आग तुम्हारा बुझ गया और घर भी सेफ हो चुका है। ओए मुन्ना दीदी को उठाऊं क्या? दीदी सो रही हैं। अरे भैया दीदी बोल रहे हो, चलो गाइस यहाँ पे उठाते हैं। ओके सिंचन उठाओ यार। अरे दीदी उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग। अरे मैं पापा नहीं मैं सिंचन हूँ। अरे ये मैं कहाँ पे हूँ? अरे ये कहाँ पे आ गई मैं? अरे ये हमारे घर में आ गए, हमारा नाम है होगी एंड जैक, और साथ में हमारा छोटा पंटर छिंचन। अरे वो तो ठीक है, मैं तो प्लेन में अपने पापा को बचाने जा रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम्हारा प्लेन पूरा का पूरा मेरे घर पे क्रैश हो गया, इस वजह से तुम इधर आ गई। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा प्लेन क्रैश हो गया, अब मैं अपने पापा को नहीं बचा पाऊंगी, मैं कैसे बचाऊंगी उन्हें? हे कौन से पापा? अरे मेरे पापा। हे दोस्त यार लगता है अरे तुम लोग मुझे नहीं जानते हो क्या? अरे मैं प्रेसिडेंट की लड़की हूँ। ओए मुन्ने ये क्या, प्रेसिडेंट की लड़की? अरे हाँ मैं प्रेसिडेंट की लड़की हूँ, हमारे चाचा ने हमें धोखा दे दिया और उन गैंग्स वालों को हमारे पापा की लोकेशन दे दी और उनको वो किडनैप करके लेके चले गए, सेंटा मेरे पापा को किडनैप करके ले गए। अरे बाप रे सेंटा तो गिफ्ट देते हो, पहली बार सुना सेंटा प्रेसिडेंट को किडनैप भी करके ले गए। अरे वो सेंटा असली के सेंटा नहीं, वो नकली के सेंटा है। अरे गाइस यार लेकिन हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना भैया। ओए मुन्ना बात तो सही कह रहा तू। अरे मेरी मदद कौन करेगा, वो मेरे पापा को मार देंगे, मुझे बचाना था, मुझे जाने दो, मुझे अपने पापा को बचाना है। अरे हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं, अगर तुम्हारे पापा को किडनैप किया तो तुम्हें भी वो लोग किडनैप करने जरूर आएंगे, और तुम अकेले बचा भी नहीं पाओगी। ओए मुन्ना ये क्या, तूने मैडम जी को रुला दिया? ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया तो हम कर भी क्या सकते हैं? अरे यार होगी भैया, इन दीदी की मदद हमें करनी पड़ेगी, हमें प्रेसिडेंट अंकल को बचाना पड़ेगा। अरे यार गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल हो गई है। ओए मुन्ना मैं मैडम जी को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ, ओए दुनिया में आग लगा दूंगा। अरे भैया तुम्हें इतना जोश क्यों आ रहा है? अरे यार होगी भैया कुछ तो करो यार। अरे यार गाइस ये दोनों ने तो मेरा सर खाने लगे, फिर से इन दोनों ने मुझे बहुत ही बड़ी परेशानी में डाल दिया। अब मैं क्या करूं प्रेसिडेंट को बचाने के लिए? गाइस यार अपनी हड्डी पसली ना टूट जाए। चलो ठीक है दीदी यार रो मत रो मत रो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे पता था तुम लोग मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम लोग अच्छे लोग हो। अरे ठीक है, हम इतने भी अच्छे नहीं है वैसे। हाँ ठीक है वो। अरे यार गाइस, यार मुझे एक और काम का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर दीदी की लोकेशन किसी को मिल गई ना तो भैया यहाँ पे सारे के सारे गैंग वाले आ जाएंगे। ओ बबलू बिल्डर, एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पे एक टनल बना दो, नहीं नहीं बंकर बना दो इधर पे। अरे बंकर बना तो दूंगा लेकिन उसके अलग से पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है, पैसे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा और पैसे दे दूंगा बंकर बनाने के। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो। हे दोस्तों, यहाँ पे बबलू को अपने अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है यहाँ पे बंकर बनाने का। और गाइस यहाँ पे बंकर बनाने के साथ बबलू उसको अपने जो की लड़की है ना उसको बंकर में सेफ कर देगा। और यहाँ पे अभी हम चलने वाले फटाफट। ओए मुन्ना चले क्या प्रेसिडेंट को बचाने के लिए? अरे मेरे पास एक वो है। अरे क्या है? अरे मेरे पास एक ऐसी वॉच है जिसकी अंदर मैं अपने पापा की वॉच से ट्रैक कर सकती थी क्योंकि मुन्ने मैंने उनको अपने जन्मदिन पे दिया था। अच्छा ठीक है, समझ गए, फटाफट से हमें वो वॉच दे दो। फाइनली गाइस हमने वो वॉच भी ले लिया और हमें लोकेशन भी मिल चुकी है ट्रैक करने के बाद। ओए मुन्ना तो चलते हैं, ओए छोड़ेंगे नहीं उन गैंग वालों को। हे भैया सही कहा, प्रेसिडेंट को बचाना है और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को तोड़ के जो भी उन्हें किडनैप किया हुआ गाइस वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और मेरे पास इतनी सी पिस्टल है भैया। ओए मेरे पास तो स्नाइपर है, टेंशन मत ले। हे भैया चलो यार, आजा सुसाइड मिशन चालू करते हैं। वैसे इस मिशन को जीतने के चांस तो भैया 10% भी नहीं लग रहे मुझे। आ भैया। ओए आ गया। हे दोस्त यार भैया। ओए मुन्ने सिंचन को समझा दिया ना तूने? अरे हाँ सिंचन को मैंने समझा दिया गाइस। सिंचन उस लड़की का ख्याल रखेगा, वैसे उस लड़की का मैंने नाम भी नहीं पूछा। ओए मुन्ना उस लड़की का नाम जूली है। अच्छा चलो ठीक है भैया, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है लड़कियों का नाम। अरे नहीं उसने खुद बताया था। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा जूली को भैया देखते, सिंचन को बोला है ना बंकर में ले जाएगा, जैसे बंकर रेडी होगा उसके अंदर सिंचन उस लड़की के साथ में अंडरग्राउंड हो जाएगा। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, मैंने सिंचन को बोल दिया है सब कुछ। ए ठीक है भैया, ये लोकेशन जो अपनी घड़ी दिखा रही है वो इधर ही कहीं रास्ता दिखा रही है, यही आस का आस पास भैया प्रेसिडेंट की लोकेशन मिल रही है हमें। ओए मुन्ना तो गड्डी को स्पीड बढ़ा, इससे पहले वो क्या प्रेसिडेंट का गेम बजा दे, हमें जल्दी आना पड़ेगा। भैया ऐसी बातें मत करो यार, थोड़ी अच्छी अच्छी तो बातें करो, नेगेटिव पॉइंट्स बताते हो। ओए मुन्ना लेकिन मिशन तो हमारा सक्सेसफुल होगा। भैया पहले सक्सेसफुल होगा, पहले देख के तो आए आखिर का सीन क्या है और कितने वहाँ पे गैंग मेंबर कैसे हैं और भैया कैसे किडनैप करके कहाँ रखा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता भैया। ओए मुन्ना वो तो देख के पता ही चल जाएगा, तू टेंशन मत ले। हे भैया ऐसे बोल रहे हो ना जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। आए बड़ा ओए तू पहले गड्डी की स्पीड कम रखे हो। ए भैया मुझे लगता है कि हम पहुंचने वाले जस्ट पास में लोकेशन दिखा रहा है। ओए मुन्ना मुझे डर लग रहा है, तू बाइक को थोड़ा आराम से चला। अरे भैया बाइक तो आराम से नहीं चलेगी, बाइक तो फुल स्पीड में चलेगी भैया। अरे बाप रे बाप, ओए ये सस्ते स्टंट करने जरूरी थे। अरे गाइस ये क्या हुआ यार, वहाँ पे पत्थर आया, पत्थर से उछल के मैं नीचे गिर गया। ये क्या भैया, लगता है मिशन फेल ही होने वाला है। ए ओए नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, सब सब बोल मुन्ना। हे भैया क्या बोलूँ यार, मुझे तो डर लग रहा है, वहाँ पे भैया उन लोगों ने प्रेसिडेंट को किडनैप कर रखा है तो हमारे साथ वो क्या करेंगे, हमें पकड़ लिया तो। ओए मुन्ना, अरे वो तो हमारा गेम ओवर कर देंगे, लेकिन टेंशन मत ले, तेरे साथ तेरा भैया है तो टेंशन वाली बात नहीं मुन्ना, मैं फौजी हूँ। अरे भैया बस बस यार, ज्यादा ही जोश हो गया लगता है गाइस, भैया के अंदर हद से ज्यादा जोश आ रहा है। भैया सबसे पहले हमें दूर से लोकेशन देखनी पड़ेगी और प्रेसिडेंट को आखिरकार किडनैप कहाँ कर रखा है प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग अटैक करके प्रेसिडेंट को वहां से छुड़ा पाएंगे। ओए मुन्ना ठीक है, तूने प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। ए दोस्तों फाइनल लोकेशन हमें मिल रही है जो कि यार यहीं से मिल रही है। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ प्रेसिडेंट को रखा कहाँ पे। अरे बाप रे ये तो इतने सारे सेंटा है मुन्ना। ए भैया वो सेंटा की कॉस्ट्यूम पहने हुए सारे के सारे गैंग वाले हैं। ए भैया क्या दिख रहा है? ओए मुन्ना चारों तरफ गैंग वाले बंदे एकदम बिखरे पड़े हैं। ओए
सबके हाथों में राइफल गन है और मुझे लगता है कि इस वाले एरिया में कहीं प्रेसिडेंट को रखा उन्होंने। ए भैया किधर रखा है? ओए पहाड़ों से भी निगरानी रखी जा रही है। ओए ये वाले अंदर की साइड में। हे भैया वही एक चीज है जो कि रूम है वहां पे शायद रखा, और वहां पे कुछ गार्ड यार भैया निगरानी भी रख रहे हैं। ओए सही कहा तूने मुन्ना। ओए प्लान अब मेरा सुन तो। ए भैया क्या प्लान है? ओए तू नीचे पानी के जरिए से जा। ओए मैं ऊपर से यहाँ से देख रहा हूँ। ए भैया खुद दूर रहोगे और मुझे नीचे भेज रहे? ओए मुन्ना मैं यहाँ से स्नाइपिंग करूंगा ना। अच्छा ठीक है गाइस यार प्लान में देख रहे हो ना, भैया ने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। गाइस फाइनली मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं यार मैं नीचे जाता हूँ। और चलो गई भैया को स्नाइपिंग करिए, लेकिन सबसे डेंजर काम तो मुझे दे दिया। गाइस मुझे सेफली यहाँ से नीचे निकल के जाना है। उनकी नजरों में नहीं आना चाहिए। ए भैया लाइन पे रहना। ओए मुन्ना लाइन पे टेंशन मत ले। हे दोस्त मुझे यहाँ से सीधा पानी के अंदर कूदना है और अंडर मतलब के अंडर वाटर जाना है ताकि उन लोगों की मेरे ऊपर नजर ना पड़े। ओके प्लान देखते हैं कितना। अरे रे ये क्या पैर भी फिसल गया। अरे बाप रे गाइस ये कितना ठंडा पानी है। ओ नो अरे यार ठंडे ठंडे पानी में मुझे भैया ने भेज दिया। ये तो कुछ ज्यादा चिल्ड हो रहा है। हे क्या करूँ क्या करूँ, मेरी तो कुल्फी बनने वाली लगता है आज तो। का फड़ फंस गया मैं यार गाइस। ए भैया ऊपर वाले का गेम बजाओ यार, नहीं तो वो लोग मुझे देख लेंगे पानी में। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, अभी मैं सारे ऊपर वाले की बैंड बजाता हूँ। ए भैया नीचे वालों को मत मारना, नहीं तो उन लोगों को अलर्ट हो जाएंगे, वो प्रेसिडेंट को फिर मार भी सकते हैं। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, इनको पता भी नहीं चलेगा मैं इनको ऐसे मारूंगा। हे भैया मारते जाओ, टाइम मत देना बिल्कुल भी। ओए तीन का तो मैंने गेम ओवर कर दिया, चौथा भी गया। ओए यहाँ पे और भी है तो इनको फिनिश कर देता हूँ फटाफट से। ये ले इसको भी कोई नहीं देख पाएगा। हे भैया ब्रिज वाले के ऊपर वालों को भी मार दो क्योंकि वो काफी डिस्टेंस में, तो वो लोग उन्हें नहीं बता पाएंगे। ओए ठीक है कुछ लोगों को मैं तो गेम बजा भी दिया है, बहुत लोगों को मैंने बजा दिया। अरे भैया भैया जल्दी करो यार मेरे यहाँ पे कुल्फी जम रही है। ओए तेरी कुल्फी जम रही है, अब इतना मुश्किल हो रहा है मारना। रुक जा नुबड़े, अगर उन लोगों को शक हो गया ना थोड़ा सा भी तो ये लोग भागने लग जाएंगे। अरे इनको भागने से पहले इनकी बैंड बजा दूंगा। भैया जल्दी से फिनिश करो। ओए मुन्ने यहाँ पे लगभग मैंने सबको फिनिश कर दिया है। भैया एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। ओए ठीक है। ए भैया ध्यान से देखना यार। ओए मुन्ना रुक जा एक मिनट, यहाँ पे कुछ और लोग भी है मेरे नीचे की साइड में। ओए मैं इनको भी फिनिश कर देता हूँ। भैया जल्दी करो। ओए रुक जा यार क्या कर रहा है तू, यहाँ पे एक और गया। भैया जल्दी करो भैया, मेरे तो दांत बजने लग गए ठंड के मौले। ओए नुबड़े कहीं के ठंड लग रही तुझे बढ़ाया। यहाँ पे देख रहा है मैं इतने लोगों को फिनिश करने में लगा पड़ा हूँ। ओए अब तो खत्म। अरे भैया देख के करना। ओए रुक जा एक और रह गया। अरे बच गया तो। ओए ये ले। अरे भैया सबको उड़ा दिया तुमने। ए भैया मुझे ऊपर एक और नजर आ रहा है, वहां पे घूम रहा है, जल्दी मारो उसे। ओए दिख गया मुझे। अरे भैया वो वाला नहीं, और आगे की साइड दिख रहा है भैया, वो देखो। ओए दिखा मुझे, ये ले इसको भी फिनिश कर दिया मैंने। हे भैया बहुत बढ़िया यार, कर दिखाया तुमने आखिरकार। ए छोड़ना नहीं भैया किसी को। ओए ये भी गया। अरे अब कौन है? रुक जा एक और आया। ओए ये भी फिनिश। अरे बाबरे कहां से आ रहे हैं निकल के। अरे भैया बस हो गया ना, मैं तो पूरा का पूरा आइसक्रीम बन गया भैया। ओए चुप रहे। हे दोस्तों यहाँ पे ऊपर वाले सबको फिनिश कर दिया, नीचे वाले को अभी भी पता नहीं चला। तो यही मौका सही रहेगा। ओए मुन्ना तू आगे बढ़, मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है। हे दोस्तों चलो फिर से कुल्फी जमाने का टाइम आ चुका है। हे अंदर से पानी के अंदर से आना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे देख लेंगे। ओके गाइस यार अंडर वाटर मिशन होने वाला है। हे यहाँ पे फटाफट से अंदर से निकलेंगे। अरे यार सांस लेनी पड़ेगी। चलो गए सांस लेते, और वो देखो यार इतने सारे लोग हैं वहाँ पे तो। अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है प्रेसिडेंट को इसी एरिया में रखा उन लोगों ने यहाँ पे। ओए मुन्ना क्या कर रहा है, जल्दी कर। अरे भैया जा रहा है यार। दोस्तों मुझे जल्दी से नीचे से जाके उन लोगों को मारना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार में इतने लोगों को मारूंगा कैसे। वो तो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। ओके गाइस मैं यहाँ पर आ गया, और वो देखो वहाँ पे कितने सारे सेंटा हैं। ओके वो लोग मुझे यहाँ पे नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कवर है। ऐसा कर दो, यहाँ पे नीचे कोई जगह है तो मैं नीचे से चलता हूँ यार।
ओए मुन्ना कहाँ है? अरे भैया पानी के अंदर हूँ यार, यहाँ पे मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ यार जाने का। ए दोस्तों फाइनली मुझे यहाँ पे जाली मिल गई। ओकी यार मैं इस जाली को हटा के यहाँ से अंदर चले आ सकता हूँ। हाँ ये सेफ रहेगा। फटाफट से गाइस इस जाली को हटा के मैं साइड निकल जाऊंगा। इधर तो मुझे कोई स्टेयर वगैरह नजर नहीं आ रही है, तो यही रास्ता ठीक है। चलो यार जाली निकाल के इसके अंदर घुसते हैं और उस साइड निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। फाइनली गाइस मैं इधर निकल के आ चुका हूँ और यहाँ पे भैया ने तो बहुत ही सबका गेम बचा दिया है। लेकिन फिर भी मुझे अपने पैरों को फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, कोई ना कोई बंदा जिंदा ना हो। ए छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। ओए मुन्ना संभल के। भैया मैं तो संभल के जा रहा हूँ। गाइस यार मुझे देख देख के यहाँ पे जाना है। अरे बाप रे बाप, ये सारे के सारे ढेर पड़े, क्या बात है भैया, क्या पट्टे से हेडशॉट मारा इन सबको। ओए मुन्ना, हे भैया चुप रहो यार। गाइस वहाँ पे देखो इतने सारे सेंट आए, और मैं जाऊंगा कैसे यार प्रेसिडेंट को बचाने के लिए? अगर मैं सामने से गया ये लोग तो मुझे मार देंगे। ए कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा गाइस यार, मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। हे एक काम कर सकता हूँ गाइस, क्यों ना मैं खुद भी एक सेंटा बन जाओ। मैं इस बंदे की कॉस्ट्यूम निकाल के खुद पहन लेता हूँ, और गाइस वो लोग फिर मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि मैं बाहर वाला हूँ कि अंदर वाला। फाइनली गाइस मैंने इस बंदे की कॉस्ट्यूम निकाली और मैंने खुद पहन लिया ये कॉस्ट्यूम, और मैं बन चुका हूँ सेंटा। अब तो वो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। और मैं अंदर जाके प्रेसिडेंट को भी चेक कर सकता हूँ कि प्रेसिडेंट इधर है भी कि नहीं है, खाली हम यहाँ पे घूम रहे हैं। ओके लेकिन लोकेशन तो यहीं पे दिखा रहा है वॉच में ट्रैक करने के बाद। गाइस चलो देखते हैं आखिरकार यहाँ पे है कि नहीं। ओके और जॉन ऊपर सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अरे चलो गाइस यार इस बंदे को मेरे पर शक तो नहीं हुआ, क्योंकि यार फेस यहाँ पे किसी को दिख नहीं रहा। भाई ये लोग पी के यहाँ पे घूम रहे क्या पागल की तरह? ओके मुझे बहुत ही आराम से यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओए मुन्ना क्या चल रहा है? अरे भैया चुप रहो दो मिनट। ए दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट को चेक करना है। फाइनली यहाँ पे प्रेसिडेंट तो ये रहे। ओके गाइस लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को यहाँ पे किडनैप कर रखा है भैया। लेकिन भैया को ये मैं बता नहीं सकता। चलो यार गाइस यार इतने सारे गार्ड यहाँ पे, मैं इनको अपनी पिस्टल से तो कभी नहीं मार सकता, क्योंकि यार इतने सारे गार्डों को पिस्टल से मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनके पास तो पूरी की पूरी असॉल्ट राइफल है, ये तो मुझे एक ही बार में भून देंगे। ए अब क्या करूँ, अब क्या करूँ यार, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा। यार इतने सारे इनके पास राइफल है कि यार गाइस कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा प्रेसिडेंट को निकालने के लिए। अरे यार प्रेसिडेंट तुम चाहते हो जिंदा रहना तो हमें बता दो न्यूक्लियर की चाबी कहाँ है। अरे गाइस ये लोग तो न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं भाई, न्यूक्लियर की कीज मांग रहे हैं। ओके भैया मेरे पास एक प्लान है। ओए मुन्ना बोल। ए भैया तुम बाहर वाले बंदों को स्नाइपर से मार दो, और जैसे ही वो अंदर आएंगे प्रेसिडेंट को मारने के लिए मैं अंदर वाले को फिनिश कर दूंगा। ओए मैं प्लान तेरा समझ गया मुन्ना। ओए उनको टाइम ही नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट को मारने का। नहीं भैया सही कहा, जैसी अंदर वाले को थोड़ा भी पता चलेगा कि बाहर कुछ गड़बड़ है वैसे ही मैं अंदर वाले को भी फिनिश कर दूंगा, ऐसे हमारा प्लान काम कर जाएगा। ओए ठीक है मैं एक एक करके इन गार्डों को लिपटाना चालू करता हूँ, ये ले। अरे भैया जल्दी जल्दी करना। ओए मुन्ना बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा मैं इनको, एक ही बार में हेडशॉट, और पीछे वाले को इनको पता भी नहीं चलेगा पीछे वाला मर भी गया है। ओए यहाँ पे मैंने इन बंदों को तो ठिकाने लगा दिया है। भैया कुछ लोग नीचे भी थे देख के। भैया उन लोगों को पता चल गया है। ओए मुन्ना पता चल गया क्या? अरे भैया क्या करे। ओए मुन्ना कोई गार्ड भी नहीं यहाँ पे, तू अपना काम जल्दी चालू कर मुन्ना। हे भैया जा रहा हूँ मैं। फाइनली गाइस यहाँ पे देख रहे सारे एक्टिव हो गए। ए पीछे देख ये ले। अरे पागल हो गए तुम, मुझे क्यों मार रहे हो? हे ये ले सेंट आ गया, असली सेंट आओ और तुम लोगों को मारेगा। ए दोस्तों फाइनली यहाँ पे सबका गेम ओवर हो चुका है भैया। अरे बाप रे एक रह गया, ये तो मैं पीवी के घूम रहा था क्या। ओके गाइस सारे बंदे यहाँ पे क्लियर हो चुके भैया, ऑल क्लियर, मिशन सक्सेसफुल। ओए मुन्ना क्या कहा था मैंने? ए दोस्तों मजा आ गया, मिशन हो चुका हमारा सक्सेसफुल और हमने फाइनली प्रेसिडेंट को सेफ कर लिया है। अरे तुम लोग कौन हो? अरे प्रेसिडेंट टेंशन मत लो, मैं ऑगी हूँ आपके लॉस सैंटोस का एक अच्छा नागरिक, और मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे हमें पता चला कि तुम्हारे पास कोई घड़ी है जो कि उसे ट्रैक हमने किया है। अरे मैं तो घड़ी नहीं पहनता।
अरे ये क्या मजाक कर रहे प्रेसिडेंट, वैसे ये सब छोड़ो, मैं जल्दी चलना घर पे इससे पहले इनके गैंग वगैरह और भी आ जाए। अरे क्या बात कर रहे, कहाँ चलना है? और अरे तुम मुझे तुम्हें तुम्हें सरप्राइज देना प्रेसिडेंट। अरे कैसा सरप्राइज देना है मुझे, अपने वहाँ पे छोड़ो हेडक्वार्टर में। अरे प्रेसिडेंट उससे पहले मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम्हें मैं किसी से मिलवाने वाला हूँ। ओए मुन्ना प्रेसिडेंट को सरप्राइज देगा कि उनकी बेटी यहाँ पे सेफ है। ए भैया सही कहा। ए प्रेसिडेंट इस बंकर में तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है, जल्दी बताओगे कि नहीं बताओगे? अरे यार प्रेसिडेंट इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो, चलो भाई चलो फटाफट सारे बंकर में आ जाओ। फाइनली बंकर में आ गए और तुम्हारा सरप्राइज वो रहा आंखों के सामने। ये अरे यार होगी भैया, क्या बात है, तुम लोग सही सलामत आ गए, बहुत ही बढ़िया। ए सिंचन, ए प्रेसिडेंट इधर आओ, ये देखो तुम्हारा सरप्राइज इधर है। अरे पापा आ गए क्या? पापा आ गए चुली। अरे ये पागल हो गए क्या, दोनों के दोनों मुझे यहाँ पर किस लिए लेकर आ गए, क्या हुआ ये बताओ? अरे प्रेसिडेंट ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने कौन है। अरे ये कौन है लड़की, मुझे क्या पता। अरे ये क्या यार प्रेसिडेंट, ये तुम्हारी लड़की है? अरे मेरी लड़की तो बहुत ही छोटी है, 5 साल की है। अरे कैसी बात कर रही हो, अरे बाप रे, ये क्या लगता है प्रेसिडेंट का दिमाग फिर गया क्या भैया? अरे मुझे पहचाना नहीं पापा, मैं कौन हूँ, मुझे ध्यान से देखो, मैं जूली हूँ जूली। अरे मेरी कोई बेटी नहीं है, तू कौन है लड़की पागल कहीं की? फाइनली आखिरकार तुम लोगों को पता ही चल गया ना, ये मेरा सारा का सारा प्लान था और मुझे पता था कि तुम लोग ही उस गैंग से वहां से प्रेसिडेंट को छुड़ा सकते हो और मैं प्रेसिडेंट को खुद किडनैप करना चाहती थी। और सबसे पहले ये ले इस बच्चे को बेहोश करूंगी, मेरा दिमाग खा गया। और ये ले। अरे बाप रे ये क्या मुन्ना चीटिंग। अरे भैया और लड़की के ऊपर ट्रस्ट करो भैया, ये क्या बेवकूफी। अरे पागल लड़की, करंट लगा दिया। फाइनली मेरा मिशन होता सक्सेसफुल और मैंने इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बना के अब मैं प्रेसिडेंट को किडनैप करूंगी और प्रेसिडेंट तुमसे तो मैं अपना बदला लूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था प्रेसिडेंट, तब तुम कहे काम से।